तो भैया जी, हमने ये कभी नहीं सोचा था और आज भी कुछ खास वैसा व्लॉग बना नहीं है, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन डेली व्लॉग्स बट हम छोड़ भी नहीं सकते हैं डेली व्लॉग बनाना जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, बिकॉज आई एम लेज़ी। पहले भी हुआ मेरे साथ, ये हमको पता है। इस बार अगर छूटा तो फिर छूट जाएगा एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंसिस्टेंसी। सो जैसा बन रहा है, जो बन रहा है वो बना के डाल रहा है, अच्छा है, बुरी है, खराब है। एंड आई नो कि पिछला जो वीडियो है और हो सकता है ये वीडियो भी, ये इसका इम्पैक्ट मेरे चैनल पे हल्का नेगेटिव हो, बट मेरे सिचुएशन में अभी मेरे लिए यही पॉजिटिव है। बिकॉज अगर हमको कंसिस्टेंट रहना है तो कंसिस्टेंसी हमको छोड़ना नहीं है। अगर छूटा तो भैया छूटता चला जाएगा, और जैसा पिछला कुछ दिनों में देखा हमने, एक महीने का गैप दिया, वो गैप लंबा भी हो सकता है और धीरे हो सकता है। आई वेट, जो बनाने का कंसिस्टेंसी होता है फ्लो में, जब रेगुलर आप बनाते रहते ब्लॉग्स ना, तो ज़्यादा बेटर बनता है। बिकॉज आपको आइडिया होता है, आपका हाथ स्किल्स डेली कुछ ना कुछ पॉलिश होता है, तो बहुत तेज़ी से पॉलिश होता है और उसका शाइन बढ़ता है। डेली व्लॉगिंग में ये फ़ायदा है। बट अगर आप कभी कभी करते हो तो कभी कभी घंस के आप ज़्यादा ज़्यादा कितना चमक ला सकते हो, उतना नहीं आएगा जितना रोज़ घंसने से आएगा। इफ़ यू पॉलिश योर शूज़ डेली, देन योर शूज़ विल लुक लाइक न्यू एवरी डे। बट इफ़ यू क्लीन योर शूज़ वंस इन अ व्हाइल, देन इट विल नॉट लुक दैट मच न्यू। या ऐसा एग्जाम्पल देते हैं बेतु का सर, बट क्या कर सकते हैं, आज कुछ वैसा खास व्लॉग बनाए नहीं। अब जो बनाए हैं वो आप देख के आइए, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। व्हाट्सअप पर वायरल, क्या हो गया हमारी जबान? अरे कहना क्या चाहते हो? ये लड़खड़ा जा रही है। सो व्हाट्सअप पर वायरल, वेलकम बैक टू चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए आज की कहानी, आज का व्लॉग, आज की स्टोरी को स्टार्ट करें। राइट नाउ इट्स 11:20 एंड भैया जी हम नहा धो के तैयार हैं, धूप में बैठे हैं। एक्चुअली आई हैव टू फिनिश दिस कपल ऑफ नॉवल समरी, दिस इज माई कोर्स बुक। तो हमारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जरूरी है। बिकॉज बिना प्रिपरेशन जंग में उतरना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, तो थोड़ा सा ही हो लेकिन प्रिपेयर्ड होना चाहिए, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपके सामने से क्या आ रहा है। आपको अपोनेंट के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए ना। तो यस, आई एम गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ माय अपोनेंट इन माय अपकमिंग वॉर एंड दैट्स इट। फिलहाल हम उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और फिर जब वॉर पे जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाएंगे। और वॉर के दौरान तो हम आपको वॉर नहीं दिखा पाएंगे, बट वॉर के बाद आपको उसका आफ्टर रिजल्ट ऐसे ही तुरंत तुरंत मिलता जाएगा। टिल देन आप ये म्यूजिक एंजॉय कीजिए। भैया जी म्यूजिक जला दीजिए। इतना बड़ी रास्ता से पार किए लेकिन आज तक हिंदी विद्यापीठ के अंदर नहीं आए। ओह माय गॉड, वाओ। अजय
पहली बार जिंदगी में हिंदी वेदर पीट रहा हूं। एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो जब मैं तन्मय को जान रहा है, वो हमको लेके आया था खेलने के लिए, उसका टीम से अपना स्कूल का गंजिया दे दिया हमको, हम पाल के खेल लिए थे। अबे यार दे ही जान। टीचर आने आए हैं तो भाई भैया जी, हम देवघर में रहते हुए आज तक जिंदगी में कभी हिंदी विद्यापीठ स्कूल से यहाँ आए थे कैंप, मतलब रास्ते से इधर से पास किए थे बहुत बार, ये आज तक यहाँ नहीं आए थे। नाइस प्लेस टू हैव ऑल थैंक्स टू ऋषभ भैया। हाँ, ऋषभ भैया के चक्कर में आए तो थे, सोचे थे रांगामोड़ होते हुए पैदल घूमते फिरते पहुँच जाएंगे घर अपने, बट बोले कि यहाँ हिंदी विद्यापीठ आए हैं तो चलो अंदर चलते। अब ये लोग किसी तरह ट्रेस पासिंग करके अंदर जाके खेलने का कोशिश करने वाला है, तो आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। फिलहाल हम सोचे थे आज कुछ ब्लॉग नहीं करेंगे, बट आई गॉट द कंटेंट तो व्हाई नॉट। अरे वही लोग आ बे संजय वीरवा। ये लोग कोच को पोट के आते हुए कितना फुटबॉल खेल रहे थे, एक इधर एक इधर। हाँ तो क्या हुआ, हो गया कुछ, क्या गया को प्रोत्साहन दिया जा रहा था उनकी तरफ से कि सब कल 3:30-4 बजे के बीच में आ जाना, सब साथ में वार्म अप करोगे देखने में भी बढ़िया लगता है, सब साथ में करोगे तो एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है, नहीं तो बाद में कोई आता है सबका तो वार्म अप हो गया होता है, बाद में ढीला ढाला क्या खेलेगा। चलो हो गया, तकसीला के अंदर गए थे यहाँ के स्पोर्ट्स कोच से बात करने के लिए, ऐसे लोगों को खेलने का मन था फुटबॉल, तो परमिशन लिए, परमिशन ऐसे मिल गया कल 3:30-4 के बीच में बुलाया गया वार्म अप के लिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो मे बी हम कल आए या ना आए, तो अगर आए तो व्लॉग में कंटेंट दिख जाएगा, और ना आए तो फिंगर क्रॉस कभी ना कभी तो आएंगे, क्योंकि परमिशन अब लौंडा सब ले लिया। तो परमिशन लेने में आगे बढ़ा था हमारे ऋषभ भैया, साथ दिया अनिकेत भैया, उनको कॉल कर रहे, वो लोग अंदर में भी वॉलीबॉल का मैच देख रहे हैं। बल्ब बंद कर देने से होता है कि उसका ये डार्क बैकग्राउंड बोले तो आपका सीरियस बैकग्राउंड बनता है, जैसे बल्ब में टॉक करने में मज़ा आता है। और ये रेड लाइट कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम लैपटॉप का स्क्रीन पे मैंने स्पाइडर ली थी, आई लव स्पाइडर, हमारे लैपटॉप का नाम भी स्पाइडर है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा अभी कुछ दिनों में। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट राइट नाउ, कि अपने स्किल्स को थोड़ा सा और बढ़ा लें, अपनी स्टोरी टेलिंग को और आपका बेहतर कर लें, सो तब जाकर के हम
इस लैपटॉप की कहानी को आपके सामने पेश करें, सो दैट यू कैन रिलेट टू इट एंड यू कैन एंजॉय दैट वी आर प्रेजेंटिंग.